सरकार अक्सर किसी न किसी सेक्टर में निवेश करती है। आज की वीडियो में बात टेक्सटाइल सेक्टर की करते हैं। 2016 में सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया था कि वे टेक्सटाइल सेक्टर में लगभग 6000 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे 1 करोड़ रोजगार पैदा होंगे। कैबिनेट ने 6000 करोड़ का एक विशेष पैकेज टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग सेक्टर में को बढ़ावा देने के लिए आज उसकी स्वीकृति दी है, और इसका मुख्य मकसद है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्षमता है इस सेक्टर में, उसको पूरी तरह से हार्नेस किया जाए और करीब 1 करोड़ जॉब्स जो हैं, कम से कम 1 करोड़ जॉब्स अगले 3 सालों में जनरेट किए जाएं। लेकिन इससे कितना रोजगार पैदा हुआ, आप रवीश कुमार की एनडीटीवी पर एक रिपोर्ट देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जिस विभाग के पास यह हिसाब लगाने की क्षमता होती है कि कितनों को रोजगार मिलेगा, वही विभाग अगर संसद में कहे कि रोजगार का डेटा नहीं है, तो फिर आप स्तब्ध रह जाते हैं। जब आप रोजगार का डेटा नहीं रखते हैं, तो फिर कितना रोजगार मिलेगा ये कैसे बता देते हैं। कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश सूरत से सांसद हैं, जो कपड़ा व्यापार का केंद्र भी है। इसी 6 अगस्त को मंत्री जी जवाब देती हैं, सरकार टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार पैदा होने का लक्ष्य नहीं तय करती है। अंग्रेजी में लिखा है, द गवर्नमेंट डजंट फिक्स टारगेट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन टेक्सटाइल सेक्टर। यह सवाल बीजेपी के सांसद अशोक महादेव राव नेते ने ही पूछा था कि क्या यह सही है कि पिछले 5 वर्षों में टेक्सटाइल सेक्टर में लक्ष्य से बहुत कम रोजगार पैदा हुआ है। अब आपने सुना और देखा कि सरकार कह रही है कि वह टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार के आंकड़े फिक्स नहीं करती है। हंसी है नहीं, मुझे सीरियस लोग ज्यादा पसंद है। हाल ही में सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पैकेज का ऐलान किया है। इसके मुताबिक सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में लगभग 10,600 करोड़ के निवेश की बात कही, जिससे 7.5 लाख रोजगार पैदा होंगे। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बड़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपया, 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएंगे। लेकिन अचंभे की बात यह है कि जब सरकार 6000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही थी, तो 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार पैदा हो रहे थे, और अब जब सरकार 10,000 करोड़ लगा रही है, तो रोजगार सिर्फ 7.5 लाख पैदा होंगे। ये नंबर्स में इतना बदलाव क्यों, इसका सरकार को जवाब देना चाहिए। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।